हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। ये वीडियो है लाइम रोड की लिस्टिंग के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लाइम रोड पे लिस्टिंग कैसे करना है। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। लाइम रोड पे लिस्टिंग से पहले आपको लाइम रोड की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पहले जानना होगा। अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है, आप पहले आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए कि कैसे आपको लाइव रोड पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो लाइव रोड पे कैसे लिस्टिंग करना है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया था लाइव रोड पे लिस्टिंग कैसे करना है। थोड़ा सा लेट हुआ है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। लाइम रोड पे लिस्टिंग करने के लिए आपको seller.rankroad.com ओपन करना है और यूजर नेम एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना है। अगर आपको लाइम रोड पे रजिस्टर करना है एज ए सेलर, तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में, मैंने रिसेंटली अपलोड की है। टाइटल है हाउ टू सेल ऑन लाइम रोड। लास्ट लाइम रोड के वीडियो में मैंने लाइम रोड की डैशबोर्ड एक्सप्लेन की है। अभी सिर्फ लिस्टिंग के बारे में ही बात करेंगे, तो चलिए देखते कैसे करना है। आपको अपलोड और एडिट कैटलॉग पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करने से पहले प्रोडक्ट की इमेजेस और साइज चार्ट रेडी करना है। फिर आपको चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए दो ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट अपलोड एंड बल्क प्रोडक्ट अपलोड थ्रू बल्क शीट। यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आपको फर्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है और डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शीट ओपन करेंगे, फर्स्ट आपको एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो गाइडलाइंस में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको लिस्टिंग शीट में भरना है, वो आप यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए। लिस्टिंग करने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है कि आपको क्या एग्जैक्टली भरना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन कलर की जितने भी कॉलम है वो मैंडेटरी है एंड पिंक कलर की कॉलम्स गुड टू हैव एट्रीब्यूट्स। गुड टू हैव एट्रीब्यूट्स मीन्स वो सारे एट्रीब्यूट्स जो आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग को बेहतर करता है। गाइडलाइंस हिंदी में भी है, सेम डिटेल्स आपको हिंदी में भी यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है कैटेगरी शीट, जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी मेंशन है। नेक्स्ट है टेम्पलेट शीट, जिसमें आपको प्रोडक्ट डिटेल्स भरना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर की कॉलम ब्रांड नेम से सेलिंग प्राइस तक मैंडेटरी है, फिल करना है आपको। फर्स्ट कॉलम है ब्रांड नेम, जिसमें आपको आपके प्रोडक्ट की ब्रांड नेम भरना है। नेक्स्ट है स्टाइल नेम और कोड, यहाँ पे आपको यूनिक कोड भरना है जो सेम होगा डिफरेंट प्रोडक्ट कलर एंड साइज के लिए। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो सारे वेरिएशन की सिर्फ एक ही यूनिक कोड होगा और डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कोड होगा। नेक्स्ट आपको SKU भरना है। अगर आपको नहीं पता SKU के बारे में, SKU का मतलब क्या है, तो आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा व्हाट SKU मींस इन ई-कॉमर्स। आप चाहे तो देख सकते हैं इस वीडियो को, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि खामो का वीडियो लेंदी होगा। SKU इज यूनिक कोड जो हर प्रोडक्ट वेरिएशन के लिए यूज किया जाता है। फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट SKU भरना है। नेक्स्ट भरना है प्रोडक्ट की कलर, जो ड्रॉप डाउन से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट की लेंथ, प्रोडक्ट की वेट एंड हाइट इंचेस में मेंशन करना होगा। और नेक्स्ट मेंशन करना है प्रोडक्ट की MRP मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है देखिए स्टॉक या इन्वेंट्री, और इस पर्टिकुलर कॉलम की कलर पिंक है, यानी कि नॉन मैंडेटरी है बट प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए जरूरी है। आपके पास अगर प्रोडक्ट की वेरिएशन है, एग्जैक्ट स्टॉक अपडेट वेरिएशन वाइज करना जरूरी है। इसके बाद है मटेरियल, जो आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना होगा। प्रोडक्ट कैटेगरी क्लच है, यहाँ पे मैंने क्लच एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी दी है, तो इसलिए यहाँ पे क्लच की क्लोजर एट्रीब्यूट्स मैंडेटरी है। वैसे ही हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होता है जो भरना मैंडेटरी है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप प्रोडक्ट को जिस तरीके से भी डिस्क्राइब कर पाए, हर तरीके से आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ, मीन्स प्रोडक्ट सिंगल है या प्रोडक्ट सेट वाइज है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉकेट्स, ये अगेन कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है, क्योंकि तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ रहा है
है नंबर ऑफ पॉकेट्स भी, जो मैंडेटरी भी है आप देख सकते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होता है जो मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट कुछ आप देख सकते हैं पिंक कलर के भी कॉलम्स है, मतलब गुड टू हैव एट्रीब्यूट जो मिस नहीं करना चाहिए, और मैंडेटरी कॉलम्स को ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट की पैक्ड लेंथ, विड्थ और हाइट, जो आपको इंचेस में यहाँ पे भरना है। पैक्ड प्रोडक्ट लेंथ मीन्स प्रोडक्ट पैक होने के बाद प्रोडक्ट की जो लेंथ आप मेजर करते हैं वो आपको शीट में भी भरना है। मैंडेटरी नहीं है बट आपको ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो वेट कैलकुलेशन में, पैकेजिंग डायमेंशन डिटेल्स हमेशा भरना चाहिए। सिमिलरली प्रोडक्ट की पैक विड्थ और पैक हाइट भी प्रोडक्ट की भरना है। नेक्स्ट आपको भरना है प्रोडक्ट की वेट, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की स्पेशल फीचर्स और इमेज की लिंक। नेक्स्ट भरना है प्रोडक्ट की साइज ड्रॉप डाउन से, कलर फैमिली मीन्स प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कलर भी आपको यहाँ पे भरना है ड्रॉप डाउन से, प्रिंट्स एंड पैटर्न, और प्रोडक्ट की टाइप और ओकेशन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भरना है जीएसटी रेट और HSN कोड आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो शीट यहाँ पे कम्प्लीटली भरने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या क्या आप डिटेल्स फिल किए हैं वो सही है या नहीं। ये शीट प्रिपेयर हो गया है और एक ही प्रोडक्ट की शीट है। चलिए देखते हैं शीट को कैसे अपलोड करना है और लाइव करना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जाके आपको क्लिक करना है एड न्यू प्रोडक्ट्स पे और अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब देखिए 1 SKU अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट आपको प्रोसीड टू अपलोड इमेजेस पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू अपलोड साइज चार्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके प्रोडक्ट वेरिएशन है तो आपके प्रोडक्ट की साइज चार्ट यहाँ पे अपडेट करना होगा। क्योंकि मैंने क्लच आइटम सिलेक्ट की है अपलोडिंग के लिए, कोई वेरिएशन नहीं है इस प्रोडक्ट में, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसीड टू व्यू फाइनल स्टेटस और यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे दिखाएगा फाइनल स्टेटस। कोई अगर एरर भी है तो आपको इस पेज से ही पता चलेगा किस प्रोडक्ट में क्या एरर है, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करके फिर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट अभी अभी हमने अपलोड की है वो नॉन लाइव में शो कर रहा है। तो प्रोडक्ट जो नॉन लाइव में है वो पहले QC पास होगा, फिर इसके बाद अगर कोई भी एरर है फिर आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करके अपलोड करना होगा। अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर डायरेक्टली एक्टिव होकर प्रोडक्ट लाइव सेक्शन में आ जाएगा और लाइव में शो करेगा। जनरली टाइम लगता है, कभी कभी एक दिन भी लग सकता है और 2 दिन भी लग सकता है, क्योंकि मैंने एक ही SKU अपलोड की है तो कुछ आवर्स में ही मुझे पता चल जाएगा ये लाइव होगा या नहीं। कुछ आवर्स के बाद हमने चेक किया तो यहाँ पे शो कर रहा है लाइव में प्रोडक्ट। मैंने एक ही प्रोडक्ट अपलोड किए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव में शो कर रहा है। अब देखिए इस लाइव प्रोडक्ट में आप आइटम की डिस्काउंट स्टॉक भी एडिट कर सकते हैं, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि लाइमरोड पे लिस्टिंग कैसे करना है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।